मंत्रिमंडल विस्तार पर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान हसनपुर से विधायक तेज प्रताप का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपराधिक छवि वाले लोग का अब मंत्रिमंडल में शामिल होना जारी है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिए, लेकिन बिहार का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। क्राइम उसी तरीके से बढ़ रहा है और पूरे तरीके से सरकार इसमें फेल है। घटनाएं रोज बढ़ रहा है। कोई भी अगर पद मिलता है, चाहे मंत्री का मिलता हो या कोई भी पद मिलता हो, तो उसको निभाना चाहिए। अब शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बिहार में दिन पर दिन किस तरीके से पूरा शिक्षा जो है, छात्र नौजवान इतना लोग स्टूडेंट में पढ़ते हैं, काउंसलिंग का डेट शिक्षा का आप लोग जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित हैं तमाम लोग, कि क्या आपको सरकार पूरे तरीके से सुविधा दे रही है शिक्षा में? कम नहीं है। कोई शिक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी सुविधा नहीं। शिक्षा पूरे तरीके से बिहार का खासकर डैमेज हो चुका है। अब रहा बात कि स्वास्थ्य का उठा लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में अभी भी नीचे मरीजों को लेटाया जाता है, इलाज नहीं किया, डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाया। अभी हमारे क्षेत्र से एक आदमी फ़ोन किया हसनपुर में, हमको डॉक्टर को बोल रहे हैं, वो सुनी नहीं रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। तो ये स्थिति बनते चले जा रहा है कि जनप्रतिनिधि भी अगर कॉल कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए हर एक तरीके से। तब मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, घपलाबाजी कर रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा, ये आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब मांगना चाह रही है, जवाब मांग रही है। तो इसलिए आपको जो आज हम लोग का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ तिरहुत और जो पटना अनुमंडल के सब अध्यक्षों को यहाँ पे नए तरीके से संगठन का विस्तार किया गया है और छात्र में नौजवानों को इसमें जोड़ा गया है। भूमिकाएं सब जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं आपके बीच में, सब लोगों को नई जिम्मेवारी मिली है कि अपने संगठन में अच्छे तरीके से काम को और अपने दायित्वों का पालन करने का काम करेंगे। सबको मंत्रिमंडल में कई लोगों पे संगीन FIR दर्ज है सर। तो मंत्रिमंडल में ऐसे ही बनेंगे ना इसमें, इनके सरकार में नीतीश जी को ये सब दिख नहीं रहा है। नीतीश जी को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इनके आँख के आगे पर्दा छा गया है। अब पर्दा हटेगा, आँख खुलेगा, चैन की नींद सोए हुए हैं, नींद से जागेंगे तब वो सब चीज़ दिखाई देता है कि आपके दरवाजे में, आपके कमरे में चोर बैठा हुआ है, डकैत बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ जब आँख का पर्दा खुलता है तब हम देखते हैं, तो उनका तो आँख का पर्दा खुल नहीं रहा है। आँख का पर्दा खुलने देखें कि आप किस छवि के लोगों को, किन लोगों को आपने मंत्री बनाने का काम किया, कैसे दागी लोगों को आपने मंत्री बनाने का काम किया। तो सरकार और समाज जो है पूरे तरीके से, खासकर बिहार, हर एक तरीके से आपको देखने का काम कर रही है, आपके व्यवहार को देखने का काम कर रही है कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है। पूरे तरीके से अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं ये लोग। तो सरकार